हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बच्चे हिंदी वर्णमाला की सभी मात्राएं अ से अंग तक की डिफरेंट शीट्स की हेल्प से प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इस वीडियो में बच्चों को मात्राओं का अभ्यास कराएंगे अ से अंग तक। तो यहाँ पर ये शीट है, इसमें चित्र पहचान कर शब्द लिखो। यहाँ ये चित्र बनाए हुए हैं जिनको पहचान कर आपका चाइल्ड यहाँ पे नाम लिखेगा। जैसे ये आम, तो यहाँ आम लिखना है। मूली, मूली। मोर, टोपी, लौकी, फूल। इस प्रकार आप चित्र बनाकर दे सकते हैं और चाइल्ड को मात्राओं की प्रैक्टिस करा सकते हैं। मिलते जुलते शब्द लिखो। यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, तो इनसे मिलते जुलते शब्द आगे चाइल्ड ने लिखने हैं। जैसे गाना, माना, जाना, गीता, सीता, रीता, मोर, जोर, शोर, सुन, बुन, धुन, सुनार, पुकार, लुहार। इस प्रकार से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो। तो यहाँ ये चित्र बने हुए हैं, इनको पहचानते हुए चाइल्ड फर्स्ट लेटर लिखेगा। जैसे ये चाबी, तो यहाँ लिखेगा चा, बी, चाबी। इमली, यहाँ ई लिखने के लिए कहें इमली। गिलास, गिलास, ग छोटी की मात्रा गिलास। हाथी, हा थी, ऐसे शब्द को कंप्लीट करवाना है। छाता, छा ता। आठ, आठ। इस प्रकार चाइल्ड चित्र को पहचानते हुए शब्द को कंप्लीट करेगा। चित्र का नाम लिखो। यहाँ ये चित्र बनाए हुए हैं, तो इन दोनों शब्दों को पढ़ते हुए जो सही शब्द है वो यहाँ चाइल्ड को लिखने के लिए कहें। जैसे डिबिया, चिड़िया, तो ये चित्र को पहचाना चाइल्ड ने चिड़िया, तो यहाँ से लिखेंगे ची डी या चिड़िया। इस प्रकार प्रैक्टिस कराएं। मछली, ये दो शब्द हैं, इसमें से सही शब्द को छांट कर चाइल्ड ने यहाँ लिखना है मछली। छड़ी, सेब या छड़ी, तो दोनों में से जो सही है वो लिखना है। गमला, गमला पेड़। पैर, किताब या पैर में से जो सही वर्ड है वो लिखने के लिए कहेंगे। शब्द पूरे करो। ये शब्द लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हुए चाइल्ड ने कंप्लीट करना है। जैसे ग म ला, गमला बन गया। चा क, चाक, या चा ल, चाल, कुछ भी जो भी शब्द है बन सकता है। औरत, औ र त, औरत। खरगोश, खरगोश। पतझड़, पतझड़। गिलास, गिलास। पंख, पंख। अनार, अनार। इस प्रकार चाइल्ड को बोलते हुए इन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करानी है। खाली स्थान भरो। यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो इसको हमने चाइल्ड को फिल करने के लिए बोलना है पढ़ते हुए शब्द को। कि ताब, तो यहाँ पे चाइल्ड ता लिखेगा, तो बन गया किताब। ऐसे ही ये सारे शब्द कंप्लीट करने हैं। आफ्टर दैट श्रुतलेख, श्रुतलेख की आपने प्रैक्टिस करनी वानी है। जैसे आपने कोई भी शब्द बोला तो वो चाइल्ड साउंड को सुनते हुए लिखेगा। बोला पौधा, तो यहाँ पर चाइल्ड को पौधा लिखना है। पौधा, पौधा। पेड़,
पेड़। ऐसे मात्राओं को पहचानते हुए चाइल्ड को लिखने के लिए बोले किताब। की मीन्स छोटी, शॉर्ट साउंड, ता आ की मात्रा, ब किताब। ऐसे साउंड को पहचान कराते हुए चाइल्ड को श्रुतलेख का अभ्यास कराएं। गिरगिट, गी र गी ट गिरगिट। ऐसे बच्चे को मात्राओं की पहचान कराना और उनको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितनी आप श्रुतलेख की प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही आपका चाइल्ड मात्राओं को पहचानना और लिखना सीखेगा। मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे ये प और ध लिखा है तो चाइल्ड को सोचने दें कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे बड़ों की मात्रा लगाई तो क्या बना, पौधा। अब जैसे क र ला कर ला लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, क रे ला करेला। स र ज तो हम सोचेंगे क्या लिखना है इसमें, तो अगर यहाँ बड़ों की मात्रा लगी तो सूरज। पंखा, सब, सब में एक ही मात्रा तो सेब। गलास, छोटी की मात्रा गी ला स गिलास। इस प्रकार आपने बच्चों को लिखने से भी ज़्यादा पढ़ने का अभ्यास कराना है जिससे कि चाइल्ड की समझ में जल्दी आ जाए। तो इस प्रकार वर्कशीट बनाकर आप अपने चाइल्ड को प्रैक्टिस करा सकते हैं सभी मात्राओं की।